हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गौरी मॉम्स ब्लॉग। कद्दू तो आपने कई बार खाया होगा, पर मेरी स्टाइल से इस तरीके से आपने कद्दू कभी बनाया नहीं होगा। फ्रेंड, कद्दू तो आप लोग बनाते ही रहते होंगे, पर कद्दू आलू का कॉम्बिनेशन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और चलिए बताते हैं कि कद्दू ये कैसे बनाया जाएगा। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। आप अगर इसको व्रत में बनाना चाहें तो व्रत में भी बना सकते हैं, पर व्रत में आप घी का यूज करिए। और इस ऑयल में हमने लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी हींग डाली है। आप वो चीज़ें स्किप कर सकते हैं जो व्रत में नहीं खाई जाती हैं, पर आप इस तरीके से जब व्रत में बनाएंगे तब बहुत ही खट्टा मीठा कद्दू बन के तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। हमने तो बनाया, उंगलियाँ ही चाटते रह गए फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से सारे मसाले डाल के अच्छी तरीके से इसको मिला लीजिए। और अब इसी में हमने कद्दू और आलू को जो काट के रखा था छोटे छोटे पीसेस में, इसमें हमें डाल के बस चला देना है। पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जानते हैं कद्दू अपना पानी को छोड़ता है। और ढक के इसी तरीके से बस पका लेना है। और अब हम इसमें और भी चीज़ें डालेंगे, आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड प्लीज़ कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अब थोड़ा सा नमक डाल के इसको ढक के हमें 10 से 5 मिनट तक पकाना है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा 5 मिनट के बाद बन के तैयार हुआ है। देखिए थोड़े थोड़े से आलू भी हो गए हैं। और इस तरीके से जब आलू डाल के आप कद्दू बनाएंगे फ्रेंड, वाकई में आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगा। और अब हम इसमें डालेंगे, ट्विस्ट देंगे थोड़ा सा टमाटर। और ये जो अचार है हमारे पास नमक वाला, ये जो हम लोग बना के रखते हैं पूरे साल भर इसी तरीके से यूज करते हैं, और इसमें डाल देना है। और इस बस इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए कलारना है इसको। अब इसमें और अच्छा सा फ्लेवर और खटास मिठास देने के लिए ये थोड़ी सी हमने इसमें गुड़ भी डाली है। और ये देखिए अब हमारा कद्दू आलू पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब इसे चाहे आप पूरी, पराठा, रोटी किसी से भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगा फ्रेंड बनाया और खाया, इतना यम्मी। आप लोग बनाइए और कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।